नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अतुल और इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लिंक टू विंडोज सैमसंग फोन के लिए। तो अगर आप कोई भी सैमसंग का फोन यूज करते हो तो आप अपने फोन में लिंक टू विंडोज का यूज कर सकते हो और अपने फोन को कास्ट कर सकते हो अपने पीसी पे विंडोज लैपटॉप में। जब आप कास्टिंग करोगे लिंक टू विंडोज का यूज करके तो यहाँ पे एक अलग टाइप से यूआई यहाँ पे बन के आएगा और यहाँ पे आप अपने जो एप्स है फोन में जो एप्स होते हैं वही एप्स वही गेम्स आप यहाँ पे प्ले कर सकते हो, यूज कर सकते हो, फोटोज देख सकते हो, अपनी यहाँ पे कॉल कर सकते हो, मैसेज कर सकते हो, किसी भी नोटिफिकेशन को रिप्लाई कर सकते हो। सारी चीजें आप अपने पीसी से ही कर सकते हो, आपको अपने फोन को टच नहीं करना पड़ेगा। लेकिन दोस्तों सैमसंग के फोन में दो टाइप के होते हैं लिंक टू विंडोज। सैमसंग के जो वन यूआई के फोन है फुल वन यूआई के फोन जिसमें आपको प्री इंस्टॉल मिलता है, लिंक टू विंडोज पहले से ही इंस्टॉल होता है, ठीक है। लेकिन कई सारे फोन्स ऐसे हैं वन यूआई कोर के जिसमें लिंक टू विंडोज पहले से इंस्टॉल होता नहीं है, जैसे M31, M21, M51, M31S, ठीक है। लेकिन बात करेंगे अगर M42 5G की, F62 की, S सीरीज, नोट सीरीज, A सीरीज की जिसमें लिंक टू विंडोज पहले से इंस्टॉल है। तो अगर आपको चेक करना है कि लिंक टू विंडोज आपके फोन में पहले से इंस्टॉल है तो आपको यहाँ पे क्विक पैनल में जाना है और आपको यहाँ पे मिल जाएगा लिंक टू विंडोज, आप यहाँ पे देख सकते हो। इसके अलावा अगर आप जाओगे यहाँ पे सेटिंग्स में, एडवांस फीचर में, और यहाँ पे आपको मिलेगा लिंक टू विंडोज, ठीक है। अगर आपका ये ऑप्शन है आपके फोन में तो इसका मतलब है कि आपके फोन में जो लिंक टू विंडोज है प्री इंस्टॉल है, पहले से इंस्टॉल है। लेकिन अगर आपके फोन में नहीं है तो इसका मतलब है कि आपके फोन में प्री इंस्टॉल नहीं है इस तरीके से। तो इससे फर्क क्या पड़ता है, इससे फर्क यह पड़ता है कि आपके फोन में अगर लिंक टू विंडोज पहले से प्री इंस्टॉल है तो आप अपने एप्स को, गेम्स को यूज कर सकते हो अपने पीसी में, पीसी का यूज करके पीसी पे आप कंट्रोल कर सकते हो उन एप्स को, उन गेम्स को। लेकिन अगर आपके फोन में लिंक टू विंडोज पहले से प्री इंस्टॉल नहीं है आपके फोन में तो इसका मतलब है कि आप एप्स को यूज नहीं कर सकते। एप्स को यूज करने के लिए आपको फोन का यूज करना पड़ेगा। लेकिन बाकी चीजें मतलब कॉल करना, मैसेज करना, सभी फोटोज देखना, कोई भी नोटिफिकेशन देखना, रिप्लाई करना, आप सभी यहीं से कर सकते हो। डिफरेंस इतना है आप एप्स को यूज नहीं कर सकते पीसी पे। पीसी पे अगर आपको एप्स को यूज करना हुआ तो आपके फोन में प्री इंस्टॉल होना चाहिए, ठीक है। तो पहले हम देखेंगे अगर आपके फोन में प्री इंस्टॉल है लिंक टू विंडोज तो किस तरह से आप इसे यूज कर सकते हो। सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो लिंक टू विंडोज होगा ही, ठीक है। ये रहा लिंक टू विंडोज, तो आपको यहाँ पे कुछ भी डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आपके पीसी में आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाना है और वहां पे आपको डाउनलोड करना है योर फोन, ठीक है। तो हम यहाँ पे माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाएंगे और यहाँ पे आपको सर्च करना है योर फोन। तो दोस्तों आपको माइक्रोसॉफ्ट स्टोर में जाके इस ऐप को डाउनलोड करना है आपके पीसी में, ठीक है। फिर आपको इसे ओपन करना है। ओपन करने के बाद आपको यहाँ पे अपने फोन में जो लिंक टू विंडोज है इस टॉगल पे टैप करना है। टैप करने के बाद यहाँ पे ये स्टार्ट हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे करना है गेट स्टार्टेड और फिर यहाँ पे करना है लिंक योर फोन एनपीसी, ब्लू में जो लिखा हुआ है उस पर टैप करना है और फिर यहाँ पे करना है कंटिन्यू। फिर यहाँ पे एक कोड आएगा तो आपको यहाँ पे टिक करना है और यहाँ पे करना है पेयर विद क्यूआर कोड और यहाँ पे आपको परमिशन अलाउ करनी है व्हाइल यूजिंग दी ऐप और यहाँ पे आपको जो कोड है वो स्कैन करना है। स्कैन हो गया, ठीक है। इसके बाद आपको यहाँ पे डन करना है और आपको यहाँ पे करना है साइन इन विद माइक्रोसॉफ्ट। तो आपको याद रखना है आपके पीसी में जो माइक्रोसॉफ्ट का अकाउंट आपने किया है ना साइन इन, उसी का माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट वही सेम होना चाहिए दोनों में और दोनों में वाईफाई भी सेम होना चाहिए। तो हम उसी माइक्रोसॉफ्ट अकाउंट से लॉगिन करेंगे। तो हम यहां पे करेंगे साइन इन, फिर आपको यहां पे एक कोड एंटर करना है। सबसे पहली बार जब आप करते हो तो आपको यहां पे कोड एंटर करना पड़ता है। तो हम यहां पे करेंगे पेयर मैन्युअली और यहां पे आपको करना है क्रिएट पिन कोड और यहां पे जो पिन है ये आपको यहां पे एंटर करना है। इसके बाद डन करना है, यहां पे कंटिन्यू करना है। इसके बाद पेयरिंग विद पीसी आएगा और यहां पे कुछ परमिशंस आपको अलाउ करनी पड़ेगी। आपको करना है कंटिन्यू और आपको यहां पे चार परमिशन अलाउ करनी पड़ती है। तो यहां पे करेंगे हम अलाउ 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 और अलाउ। इसके बाद आपको यहां पे करना है डन और यहां पे आपको अलाउ या डिनाई दोनों में से आप जो चाहे वो कर सकते हो। मैं यहां पे करूंगा डिनाई और यहां पे आपको करना है अब कंटिन्यू। तो हमारा अब लिंक टू विंडोज कनेक्ट हो चुका है। तो हम यहां पे करेंगे गेट स्टार्टेड और यहां पे नीचे में आकर हम करेंगे स्किप। तो आप यहां पे देख सकते हो यहां पे दिखाई दे रहा है आपको 49% बैटरी लेवल है ऊपर में और यहां पे ES M42, ठीक है, आपको दिखाई दे रहा होगा। आप जो मैसेज है उन्हें आप यहां पे देख सकते हो, रिफ्रेश करना पड़ेगा आपको। इसके अलावा आप यहां पे जाओगे नोटिफिकेशंस में तो जो भी
नोटिफिकेशन आएगी आपके फोन में, यहाँ पे आपको दिखाई देंगी, आप यहाँ पे ओपन सेटिंग्स ऑन फोन कर सकते हो। यहाँ पे आपको परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, तो आपको यहाँ पे जाना है योर फोन कंपेनियन, इसे अलाउ करना है, अलाउ कीजिए। और जो भी नोटिफिकेशन आपको आएगी आपके फोन पे आपको यहाँ पे दिख जाएगी, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे अगर आप जाओगे फोटोज में, तो आप यहाँ पे फोटोज देख सकते हो अपने फोन में, जो भी आपके फोटोज है ना, तो आप यहाँ पे जो है 2000 फोटोज देख सकते हो। तो यहाँ पे आप इस पे क्लिक करके इसे ओपन कर सकते हो। आप ओपन करोगे यहाँ पे तो ये किसी भी एडिटिंग ऐप में आप इसे एडिट कर सकते हो, कॉपी कर सकते हो जब चाहे तब, फिर पेस्ट करना हुआ तो, या फिर कंट्रोल सी भी कर सकते हो। इसके अलावा सेव एज कर सकते हो, शेयर कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। आपके फोन के जो फोटोज है उन्हें आप डिलीट भी कर सकते हो। और इस तरीके से यहाँ पे नोटिफिकेशन आ जाती है, आप यहाँ पे देख सकते हो पॉपअप में। और फिर यहाँ पे होता है एप्स का ऑप्शन, तो आप यहाँ पे जो एप्स है उन्हें यूज कर सकते हो। अब आपको मान लो यहाँ पे कैलेंडर ओपन करना हो, या फिर मान लो यहाँ पे आपको करना है कैलकुलेटर ओपन, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने ये ओपन कर दिया है। आपको यहाँ पे परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी, आपको यहाँ पे करना है स्टार्ट नाउ, और फिर आप देखोगे यहाँ पे आपका फोन यहाँ पे कनेक्ट हो चुका है। और यहाँ पे आप देख पाओगे लिंक टू विंडोज लिखा हुआ है, मतलब अब आप फोन को यूज नहीं कर रहे हो, आप अब यहीं पे यूज कर पाओगे। आप देख सकते हो यहाँ पे जो कुछ भी मैं कर रहा हूं, अपने फोन को मैं यहां से कंट्रोल कर रहा हूँ, एप्स को यूज कर रहा हूँ, गेम भी यहां से मैं खेल सकता हूँ, मतलब मैं किसी भी ऐप को यहां से ओपन कर सकता हूँ। अगर मुझे फ्लिपकार्ट ओपन करना हुआ तो मैं फ्लिपकार्ट को यहाँ पे ओपन कर सकता हूँ, आप यहाँ पे देख सकते हो, और यही से मैं उसे यूज भी कर सकता हूं। तो मुझे फोन को अब यूज करने की जरूरत नहीं है, आप यहाँ पे देख सकते हो, ठीक है। इसके बाद यहाँ पे होता है कॉल्स का ऑप्शन, तो आप यहाँ से कॉल कर सकते हो। उसके लिए आपको यहाँ पे कुछ परमिशंस अलाउ करनी पड़ती है, जैसे आपको आपके फोन में ब्लूटूथ ऑन करना पड़ेगा, तो आपको यहाँ पे करना है ब्लूटूथ को ऑन, ठीक है। फिर आपको यहाँ पे करना है सेटअप पीसी पे, और यहाँ पे कनेक्टिंग टू आ रहा है, यहाँ पे आपको करना है एस, और यहाँ पे आपको करना है पेयर, और यहाँ पे क्लोज। तो इस तरीके से अब ये हो चुका है। अब आपको यहां पे करना है सेंड परमिशन, तो एक परमिशन आपको अलाउ करनी पड़ेगी, ये वाली अलाउ हो चुका। अब आपको यहां पे करना है डन। तो अब यहां पे कोई भी नंबर आप डायल करोगे, तो जैसे मान लो अगर मैं कॉन्टैक्ट्स में जाता हूं यहां पे, तो कॉन्टैक्ट्स में इतने सारे, ठीक है, कॉन्टैक्ट्स है। अगर मुझे किसी को भी यहां से करना हुआ कॉल तो मैं यहां से कर सकता हूं, ठीक है। कॉन्टैक्ट्स देखिए आप, या कॉल्स में जाइए, आप नंबर यहाँ पे डायल कर सकते हो। आपको जो भी नंबर डायल करना है आप वो नंबर यहाँ पे डायल कर सकते हो, ठीक है। या फिर आप यहाँ पे कॉल्स में जाकर यहाँ पे सर्च कर सकते हो किसी भी कॉन्टैक्ट को। अगर आपको यहाँ पे किसी भी कॉन्टैक्ट को सर्च करना हुआ तो आप यहाँ पे सर्च कर सकते हो। ये हम देखेंगे आप मैसेज और कॉल किस तरह से कर सकते हो, लेकिन उसके पहले हम देख लेंगे अगर आपके फोन में लिंक टू विंडोज पहले से इंस्टॉल नहीं है तो आपको किस तरह से इंस्टॉल करना है, किस तरह से यूज करना है, किस तरह से आपको क्विक सेटिंग टॉगल में लिंक टू विंडोज को इनेबल करना है। तो अगर आपको इसे डिस्कनेक्ट करना है तो आप दो तरीके से कर सकते हो, ठीक है। आपको यहां पे करना है डिस्कनेक्ट लिंक टू विंडोज को, मैंने कर दिया डिस्कनेक्ट, ठीक है। तो दोस्तों ये है M51, तो अब M51 को मुझे करना है लिंक टू विंडोज के साथ यूज अपने पीसी में। तो मुझे क्या करना पड़ेगा आपको पता होगा, M51, M31, M31s, M21 में लिंक टू विंडोज का जो फीचर है, खास करके जो 1UI Core के डिवाइस है उनमें लिंक टू विंडोज का फीचर प्री इंस्टॉल नहीं होता है, ठीक है। तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको प्ले स्टोर में जाकर योर फोन कंपेनियन जो है, योर फोन कंपेनियन इसे डाउनलोड करना है, ठीक है। इसे डाउनलोड करने के बाद आपको अपने पीसी में भी डाउनलोड करना है, जैसे मैंने आपको बताया योर फोन को डाउनलोड करना है। और इसके बाद क्या करना है आपको, मैं एक लिंक दे दूंगा आपको डिस्क्रिप्शन में, अगर आपको टॉगल्स चाहिए क्विक पैनल में तो उसके लिए आपको लिंक टू विंडोज सर्विस का जो ये ऐप है ना उसे डाउनलोड करना है, तब जाके आपको लिंक टू विंडोज का ये मिलेगा टॉगल। लेकिन वो जब आप इंस्टॉल करेंगे उसे, आपको उस ऐप को इंस्टॉल करने के बाद आपको यहाँ पे प्लस पे टैप करना है और यहाँ पे लिंक टू विंडोज होगा, आपको ड्रैग करके यहाँ पे ड्रॉप करना है, ये मिल जाएगा आपको लिंक टू विंडोज, ठीक है। यहाँ पे जब आएगा ये तो आपको यहाँ पे लिंक टू विंडोज पे क्लिक करना है, उस नाम पे फिर जाना है डिटेल्स में, और फिर आपको यहाँ पे इस तरह से आएगा UI, और फिर आपको वापस यहाँ पे योर फोन अपने पीसी में ओपन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हमें यहाँ पे नया डिवाइस करना है, तो हम जाएंगे माई डिवाइस में और लिंक न्यू डिवाइस, यहां पे गेट स्टार्टेड, और यहां पे आई हैव द योर फोन कंपेनियन पेयर विद QR कोड, हम यहां पे करेंगे लिंक योर फोन एंड पीसी कंटिन्यू, और फिर यहां पे व्हाइल यूजिंग द ऐप,
और यहां पे हमें करना है इस कोड को स्कैन। फिर आपको यहां पे करना है स्कैन होने पर डन, फिर आपको यहां पे कंटिन्यू करना है और सारी परमिशंस आपको अलाउ करनी है चार बार, डन करना है और यहां पे डिनाई या अलाउ आप जो भी कर सकते हो, और यहां पे करना है लेट्स गो। ठीक है, सेम आप जो फोन में करते हो ना बस वही आप कर सकते हो। ठीक है दोस्तों, कनेक्ट करने पर आपको यहां पे ओपन सेटिंग्स ऑन फोन पे यहां पे क्लिक करना है नोटिफिकेशन एक्सेस देने के लिए। फिर यहां पे एक नोटिफिकेशन आएगी, आपको उस पर क्लिक करना है, जब तक नहीं आए तब तक आपको यहां पे क्लिक करना है। अभी आई तो आपको यहां पे करना है परमिशन पे टैप, और यहां पे परमिशन आ नहीं रही है। अगर परमिशन ना आए तो आपको यहां पे जाना है सेटिंग्स में, एप्स में, स्पेशल एक्सेस में, और यहां पे नोटिफिकेशन एक्सेस दिखाई देगा, नोटिफिकेशन एक्सेस, नोटिफिकेशन एक्सेस पे आपको टैप करना है और यहां पे योर फोन कंपेनियन इसे इनेबल करना है, अलाउ करना है। और कनेक्ट हो जाने पर आपको यहां पे दिखाई देगा कनेक्टेड टू योर पीसी, यहां पे लिखा होगा इस तरीके से। तो यहां पे हो चुका है कनेक्ट। ठीक है, फिर हम यहां पे नोटिफिकेशन देख सकते, फिर यहां पे हम नोटिफिकेशन देख सकते हैं और यहां पे क्लियर भी कर सकते हैं, पिन भी कर सकते हैं। इसके अलावा यहां पे मैसेज को देख सकते हैं, मैसेज जो भी होंगे आपके फोन में आप यहां पे देख सकते हो। आप किसी को भी यहां पे रिप्लाई भी कर सकते हो, अगर आपको रिप्लाई करना हुआ तो सामने वाले को मैसेज भी यहां पे सेंड हो जाएगा यहीं से, मतलब आपको अपने फोन को यूज करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, मैं बात कर रहा हूं उन फोन्स की जिन फोन्स में आपको लिंक टू विंडोज प्री इंस्टॉल नहीं मिलता, तो आप सब कुछ कर सकते हो सिवाय एक के, आप यहां पे एप्स को यूज नहीं कर सकते। आप जो फोटोज है आपके 2000 फोटोज उन्हें आप यहां पे देख सकते हो, लेकिन बात आती है यहां पे एप्स की, तो आप यहां पे एप्स तो ओपन कर सकते हो लेकिन एप्स को कंट्रोल करने के लिए आपको अपने फोन का यूज करना पड़ेगा। हालांकि आपको यहां पे परमिशन अलाउ करनी पड़ेगी एक, यहां पे मैं क्लिक कर रहा हूं लेकिन यहां पे क्लिक हो नहीं रहा है। ठीक है, यहां पे क्लिक हो नहीं रहा है, इसका मतलब है कि आप जो आपके फोन है वन यूआई कोर की डिवाइस जिसमें प्री इंस्टॉल नहीं होता लिंक टू विंडोज, उसमें आप इस तरीके से यूज नहीं कर सकते एप्स को, गेम्स को आपको यही से यूज करना पड़ेगा। ठीक है, लेकिन बाकी चीजें आप कर सकते हो, जैसे आप नोटिफिकेशन को देख सकते हो, मैसेज कर सकते हो, फोटोज देख सकते हो, किसी को भी कॉल कर सकते हो। यहां पे जब आप जाओगे कॉल्स के लिए तो आपको सेम वही करना पड़ेगा, गेट स्टार्टेड, और यहां पे जो ब्लूटूथ है आपको ऑन करना पड़ेगा। फिर यहां पे अतुल एचपी को कनेक्ट करना है, डन करना है, और यहां पे करना है सेंड परमिशन, और आपको यहां पे एक परमिशन अलाउ करनी है। इसके बाद आप यहां पे देख सकते हो आपको यहां पे हिस्ट्री मिल जाएगी, कॉल की हिस्ट्री। ठीक है, इसके अलावा आप यहां पे डायल कर सकते हो, सर्च कर सकते हो, कॉन्टैक्ट्स में जाकर आप किसी भी कॉन्टैक्ट पे टैप करके यहां पे कॉल या मैसेज कर सकते हो। अगर हमें किसी को कॉल करना हुआ तो मान लो आपको इसे कॉल करना है, तो यहां पे हम करेंगे इस पे टैप, और यहां पे दो ऑप्शन मिलेंगे कॉल के लिए, मैसेज के लिए, तो हम यहां पे करेंगे कॉल। अब कॉल यहां पे दो तरीके से आप कर सकते हो, यहां पे जो कॉल हो रहा है ना, ये कॉल हो रहा है आपके पीसी पे। जैसे अगर आप देखोगे यहां पे, तो सामने वाले ने पिकअप कर लिया है फोन और मैं यहां पे सुन सकता हूं, सब कुछ यहां पे हो रहा है। मतलब आप कॉल अपने पीसी से ही कर सकते हो, अटेंड भी कर सकते हो। ठीक है, मतलब आपको अपने फोन को यूज करने की जरूरत नहीं है। हालांकि आप स्विच कर सकते हो, आपको मान लो आपके पीसी पे अब यूज नहीं करना है कॉल को, तो आप यहां पे क्लिक करोगे यूज फोन तो यहां पे चला जाएगा। अगर आप करोगे यहां पे देखोगे यूज फोन, तो अब यहां पे फोन पे हो रहा है, अब यहां पे फोन पे हो रहा है ये कॉल। ठीक है, लेकिन अगर मैं चाहूं तो यूज फोन को डिसेबल कर सकता हूं, अब यहां पे कॉल हो रहा है, आप सुन सकते हो। तो इस तरीके से आप यहां पे कॉल अटेंड कर सकते हो, कट कर सकते हो। ठीक है, तो ये अच्छा है। कास्टिंग में आप ऐसा नहीं कर सकते, कास्टिंग में आप कॉल नहीं कर सकते अपने पीसी से, लेकिन यहां पे आप कॉल कर सकते हो बिना अपने फोन को यूज किए, मैसेज कर सकते हो। अगर कोई भी नोटिफिकेशन आती है तो आप उसे रिप्लाई भी कर सकते हो। मान लो आपको अगर यहां पे कोई व्हाट्सएप मैसेज आता है, आप मान लो ब्राउजर में कोई दूसरा काम कर रहे हो, ऐसे में भी अगर कोई नोटिफिकेशन आती है तो आप यहां पे देख सकते हो पॉपअप में, और आप जब चाहे तब इसे रिप्लाई कर सकते हो। तो ये भी अच्छा है।
तो यहां पे मतलब आपको अपने फोन को यूज नहीं करना है रिप्लाई करने के लिए किसी भी नोटिफिकेशन के लिए। और जो भी नोटिफिकेशन आएगी ना आपको यहां पे देखने मिलेगी, नोटिफिकेशन में आप यहां पे देख सकते हो और आप यहीं से रिप्लाई भी कर सकते हो, आप यहां पे देख सकते हो ठीक है। कोई भी मैसेज जिसमें अगर आप रिप्लाई कर सकते हो आप उन्हें यहीं से रिप्लाई कर सकते हो। इन्हें अगर आप चाहो तो रिमूव भी कर सकते हो, डिलीट भी कर सकते हो। जो ऐप से उन्हें आप फेवरेट में भी ऐड कर सकते हो, आपको राइट क्लिक करना है। अगर आप ज्यादातर कोई ऐप यूज करते हो तो आपको यहाँ पे राइट क्लिक करना है और यहाँ पे करना है ऐड टू फेवरेट, या फिर आप स्टार्ट मेनू पे भी पिन कर सकते हो या टास्क बार में भी पिन कर सकते हो। तो हम यहाँ पे करेंगे ऐड टू फेवरेट्स और यहाँ पे ये ऐड हो जाएगा, तो आपको आसानी होगी इसे ओपन करने में। अगर बात करेंगे फोटोज की ठीक है, अगर मान लो मैंने यहाँ पे इसे मिनिमाइज कर दिया है, रिस्टोर कर दिया है, तो दोस्तों मान लो मुझे इस फोटो को यहाँ पे पीसी में ऐड करना है, तो मैं यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करूंगा, आप देख सकते हो यहाँ पे, और ये कॉपी हो रही है यहाँ पे ठीक है, और ये पेस्ट हो चुकी है। इस तरीके से आप अपने फोन की जो फोटोज है ना अपने पीसी में ऐड कर सकते हो। और दोस्तों आप जिस फोल्डर में चाहते हो मूव करना आप उस फोल्डर में मूव कर सकते हो। जैसे मान लो अगर यहाँ पे आपको फाइल एक्सप्लोरर में आपके पीसी में यहाँ पे करना है किसी फोल्डर में मूव, मान लो मुझे यहाँ पे करना है पिक्चर्स में मूव, तो दोस्तों अब मान लो मुझे पिक्चर्स में इस फोटो को ऐड करना, तो मैं पिक्चर्स को ओपन करूंगा इस फोल्डर को, और फिर यहां से इस फोटो को जिस किसी फोटो को आपको करना है कॉपी पेस्ट, आपको इस पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है और ये फोटो यहाँ पे ड्रैग करके ड्रॉप करना है, और आप यहाँ पे इस तरीके से कर सकते हो। देख सकते हो आप ये फोटो यहाँ पे आ चुकी है ठीक है। तो दोस्तों आप इस तरीके से अपने सैमसंग के फोन में लिंक टू विंडोज का यूज कर सकते हो। हालांकि अगर आपके फोन में लिंक टू विंडोज पहले से इंस्टॉल्ड है तो आप बड़ी आसानी से जो ऐप से उन्हें ओपन करके कंट्रोल कर सकते हो, लेकिन अगर आपके फोन में प्री इंस्टॉल नहीं है तो फिर आपको अपने फोन से ही ऐप्स को कंट्रोल करना पड़ेगा। लेकिन बाकी सभी चीजें आप कर सकते हो, जैसे आप कॉल कर सकते हो, मैसेज देख सकते हो, कॉन्टैक्ट्स देख सकते हो, इसके अलावा कॉल को रिसीव भी कर सकते हो, मैसेज को रिप्लाई भी कर सकते हो, आपको आपके फोन को टच नहीं करना है। तो ये आपको मिलता है लिंक टू विंडोज में इतने सारे फीचर्स। तो इस तरीके से आप यहाँ पे लिंक टू विंडोज का यूज कर सकते हो अपने सैमसंग के किसी भी फोन में। तो दोस्तों ये था इस वीडियो में, अगर आपका कोई भी सवाल हो तो आप हमें पूछ सकते हो। और जैसे मैंने आपको बताया है आपको टॉगल को डाउनलोड करने के लिए एक ऐप को डाउनलोड करना पड़ेगा, और उस ऐप को डाउनलोड करने के बाद आप इस टॉगल को इनेबल कर सकते हो लिंक टू विंडोज आपके वन यूआई कोर डिवाइस में। तो दोस्तों अगर आपका कोई भी सवाल है तो आप हमें पूछ सकते हो, आप मुझे इंस्टाग्राम पे या फिर ट्विटर पे भी मैसेज कर सकते हो। इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों।